वैसे तो अभी हमने पूज्य स्वामी जी और प्रवीण जी के द्वारा युवाओं के विषय को लेकर के और अध्यात्म के क्षेत्र में, प्रचार प्रसार के क्षेत्र में युवाओं की सक्रियता को लेकर के बहुत सारे बिंदुओं पर बातें सुनी। मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। आज 7 तारीख है, अप्रैल 7 तारीख, और आने वाली इसी 9 तारीख को, 9 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। अर्थात वो दिन ऐसा है जिस दिन हम ये कहते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में श्री जी इस दुनिया में जाहिर हुए, और उस दिन से बुद्ध जी का शाका अथवा बुद्ध जी संवत का प्रारंभ हुआ, और इस बात को 346 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अब जब हम विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बात करते हैं, तो सुंदर सा चर्चा में ऐसा कहते भी हैं, और हम भी वर्षों से वाणी में ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि श्री जी आए हैं तो सभी के लिए आए हैं, संपूर्ण जगत के लिए आए हैं। तारतम वाणी का आगमन हुआ है तो संपूर्ण जगत के लिए आगमन हुआ है, और हम ये कहते हैं कि कृपा निधि सुंदर वर श्याम, भले सुंदर वर श्याम, उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। अब धाम धनी तो आए, लेकिन अब पता किसको है? निजानंद संप्रदाय के उन कुछ सुंदर साथ, जिनके विषय में मैं लगभग पिछले 18 वर्ष से सुन रहा हूं कि 40 लाख की संख्या है, थोड़ी बहुत बढ़ोत्तरी हुई होगी या नहीं भी हुई होगी मुझे पता नहीं, पर उन सुंदर साथ के अतिरिक्त प्राणनाथ जी के विषय में कौन जानता है? और जिन 40 लाख की मैं बात कर रहा हूं, उनमें भी प्राणनाथ जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान किसको है? किसका ईमान प्राणनाथ जी के ऊपर है? तो अभी के लिए तत्काल में मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में युवाओं की सक्रियता, एक तो यह है कि सहयोग है दूर रह करके, लेकिन प्रत्यक्ष सक्रियता की आवश्यकता है। और इसमें जैसे पूज्य स्वामी जी बार बार आग्रह करते रहते हैं युवाओं के लिए कि ज्ञानपीठ में आए या फिर गुरुकुल, कन्या गुरुकुल में आए, पुरुष स्त्रियां भाई बहन सभी आकर के गुरुकुल में और ज्ञानपीठ में शिक्षा अर्जन करें, वाणी वितक का ज्ञान लेकर के प्रचार प्रसार करें, उसकी तो आवश्यकता है ही। लेकिन साथ ही साथ अभी मीडिया का समय है 21वीं शताब्दी में, और अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हमें हर जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, घर घर पर, गांव गांव में जाने की आवश्यकता अब नहीं है। हाँ, जो प्रत्यक्ष कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का अपना लाभ है, पर यदि हमें पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचानी है तो हमें मीडिया का उपयोग करना होगा। और इसके लिए ज्ञानपीठ के वार्षिक उत्सव में भी हमने सेवा के लिए आह्वान किया था, लगभग लगभग 40 से 45 सुंदर साथ ने अपना नाम भी दिया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि सुंदर साथ की कोई ना कोई बाध्यता रहती है, 2-4 दिन तक सक्रिय रूप में सेवा करते हैं और उसके बाद वो अपनी बाध्यता के चलते सेवा से दूर हो जाते हैं। अब होता क्या है कि अब सुंदर साथ तो अपनी बाध्यता के चलते सेवा से हट गए, लेकिन हमें पता नहीं होता है, हम सुंदर साथ के भरोसे रह जाते हैं कि नहीं ये सेवा तो वो करेंगे, लेकिन अब वो सुंदर साथ बताते भी नहीं है कि हमारी ये मजबूरी है और सेवा भी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से जिस तीव्रता के साथ में YouTube और Facebook, वेबसाइट इत्यादि का प्रचार होने की संभावना दिखी थी, उस तीव्रता के साथ में नहीं हो पाई है। तो स्वामी जी और प्रवीण जी के इस वक्तव्य के बाद मैं सभी सुंदर साथ से, विशेष रूप से युवा वर्ग से, मैं आग्रह करता हूं, अभी भी जूम मीटिंग में ही 250 से ऊपर सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी जब ये वीडियो YouTube और Facebook पर जाएगी तो हजारों सुंदर साथ तक मेरी आवाज, मेरी बात पहुंचेगी। तो मैं सुंदर साथ से आग्रह करता हूं कि सुंदर साथ इस मीडिया की सेवा के लिए विशेष रूप से अपना योगदान दें। कई बार सुंदर साथ में कला है, सामर्थ्य भी है,
लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हम किस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैंने कुछ सेवाओं की लिस्ट बनाई है जिसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ संक्षेप में। एक सेवा रहती है छोटे छोटे वीडियो एडिट करने की, जिसको हम शॉर्ट्स एडिटिंग बोलते हैं। एक इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए रील बनाई जाती है और यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बनाए जाते हैं। एक की समय सीमा 1 मिनट की है और दूसरे की समय सीमा 1.5 मिनट की होती है। तो ऐसे 1 और 1.5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज सेलेक्ट करके उसको एडिट करने की जो सेवा है, हाँ अभी आशीष जी के नेतृत्व में बहुत सारे सुंदर साथ बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें और सुंदर साथ की आवश्यकता है। कुछ सुंदर साथ जो पहले प्रारंभ में सेवा कर रहे थे, वो अपनी अपनी किसी न किसी मजबूरी के कारण अपनी सेवा पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह से बड़े बड़े वीडियो एडिट करने के लिए, जैसे स्वामी जी की चर्चा कभी 1 घंटे की भी होती है, अधिकतम 1 घंटे की, बीतक की चर्चा इससे भी बड़ी हो जाती है, 1.5 से 2 घंटे तक की होती है। तो ऐसे वीडियो को एडिट करने के लिए भी सुंदर साथ की आवश्यकता है। इसी तरह से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इमेज के रूप में जो हम अलग अलग पोस्ट रख रहे हैं, कोटेशन रख रहे हैं, उसके लिए भी सुंदर साथ की आवश्यकता है। और साथ ही यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए, या यूट्यूब में और भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ चर्चा अपलोड कर देने से हमारा काम नहीं हो जाता है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसे एक चर्चा हमने अपलोड की, उस चर्चा में कौन कौन से छोटे छोटे विषयों को लिया गया है, उन विषयों के बारे में छोटा सा एक पोस्ट बना करके 5, 7 या 10 बिंदुओं को लिख करके, इस चर्चा में आपको ये बातें सुनने को मिलेगी। इस तरह से एक आर्टिकल बना करके व्हाट्सएप से जुड़े हुए हजारों सुंदर साथ तक पहुंचाने की भी एक सेवा है। इसी तरह से वेबसाइट की सेवा है, मोबाइल ऐप से संबंधित सेवा है, और साथ ही जैसे व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में अलग अलग चैनल्स बनाए जा सकते हैं, मैसेंजर से चर्चाओं को भेजा जा सकता है। तो इस तरह से अपलोडिंग के साथ में शेयरिंग की भी सेवा है जिसके लिए सुंदर साथ की आवश्यकता है। देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है, वैसे बात कड़वी है, पर कहते हैं कि सलाह देने वाली जिह्वा से सहयोग करने वाले हाथ महान होते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे कहने वाले सुंदर साथ बहुत हैं हमें हमारे पास, पर सहयोग करने वाले कि नहीं, ये सेवा मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, ऐसा कहने वाले सुंदर साथ का अभी अभाव है। और यही कारण है कि 346 वर्ष बीतने के बाद भी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के विषय में कोई नहीं जानता है। आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी को गए हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ, पर अभी कुछ समय पहले ही उनकी जन्म जयंती मनाई गई थी, उसमें उसके विषय में लाखों लोगों को पता है, बड़े बड़े मंत्री उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जबकि हम श्री जी के विषय में बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। वो बात सच भी है कि वो स्वयं साक्षात अक्षरातीत हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे प्रवीण भैया ने एक सलाह दी थी, पर मैं उसको नहीं कर पाया किसी कारणवश, कि कल्कि के नाम से मंदिर बना है, जबकि हम कहते हैं कि कल्कि तो स्वयं श्री जी हैं, तो दुनिया वालों को ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमें अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। और साथ ही मैं एक और सुंदर साथ को सुखद जानकारी देना चाहूंगा इस आह्वान के साथ ही, कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की तरफ से एक SPJIN का ई कैलेंडर हमने प्रारंभ किया है। ई कैलेंडर में होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। ये गूगल से जुड़ा हुआ है, देखिए मैं आपको कैलेंडर शेयर कर रहा हूँ। आज 7 तारीख, ये देखिए आप 7 तारीख में मेरा माउस देख पा रहे हैं सोने दीदी? ठीक है, तो अभी मान लीजिए अगली जो 14 तारीख है, 14 तारीख को रविवार है, आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम साप्ताहिक ई गोष्ठी देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अपने फोन पर भी टच करेंगे, तो इस तरह से आपको डिटेल दिखाई पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ज्ञानपीठ के लोकेशन के साथ ही श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ई गोष्ठी, दिन प्रत्येक रविवार, समय प्रातः 10 से 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसमें जूम मीटिंग की आईडी, पासवर्ड और लिंक तक दिया गया है, और कार्यक्रम शुरू होने से 10 मिनट पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये तो
पूरे साल भर के लिए ये तैयार हो चुका है। और इसके साथ ही मान लीजिए कि 21 तारीख को, 21 से लेकर के 24 तक दाहोद में कार्यक्रम है। आपको 21 तारीख कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही 2 दिन पहले सभी सुंदर साथ के फोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अभी श्रेयस जी के और मेरे पास इसका एक्सेस है। तो आपने जैसे ही इसको क्लिक किया, इसमें उमरिया का लोकेशन भी आ गया और इसके विषय में जानकारी भी आ गई और किससे संपर्क करना है। कई बार सुंदर साथ को पता नहीं होता है कि कार्यक्रम कहाँ पर है, उसकी डिटेल क्या है, तो यहाँ पर हमने फोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है और कार्यक्रम से 2 दिन पहले का रिमाइंडर सेट कर रखा है कि 2 दिन पहले सभी सुंदर साथ को मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और वैसे आप कभी भी पूरे कार्यक्रम की लिस्ट देख सकते हैं कि ज्ञानपीठ के साल भर में कौन कौन से कार्यक्रम है। और ये देखिए 25 तारीख को खजुरिया का कार्यक्रम है, इसी तरह से 27, 28, 29 को यहाँ पर शिवपुरी मध्य प्रदेश में कार्यक्रम है। तो ये सारी जानकारी आपको इस कैलेंडर पर उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए करना क्या है कि मैं एक तो यहीं पर मैसेज में भी लिंक भेज देता हूँ, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में मैं आप सभी को एक मैसेज भेज रहा हूँ। उसमें 2 लिंक मिलेंगे, आप उसमें मैसेज में आप पूरा पढ़ सकते हैं। आपको अपने अपने फोन में गूगल कैलेंडर डाउनलोड करना है, यदि आपके फोन में नहीं है तो, जिसके में पहले से ही है उसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एक लिंक को क्लिक करेंगे तो बहुत छोटी सी एक फाइल जो लगभग लगभग 4 KB की है वो डाउनलोड होगी और उसको अपने गूगल कैलेंडर के साथ में सिंक्रोनाइज करना है। ऐसा करते ही आप ज्ञानपीठ के SPJN ई कैलेंडर से जुड़ जाएंगे और सारे कार्यक्रमों की जानकारी आपको अपने फोन में ही मिल जाएगी कि आगे भविष्य में ये कार्यक्रम आने वाले हैं। तो और ये सुविधा एंड्रॉयड और एप्पल अथवा प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। तो आप सभी सुंदर साथ से आग्रह है कि आप अपने अपने फोन के माध्यम से इस कैलेंडर से, ज्ञानपीठ के ई कैलेंडर से जुड़ें ताकि आपको घर बैठे कार्यक्रम की जानकारी मिल सके। और जितने सुंदर साथ, जितने युवा यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सबसे मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि जिस मीडिया के सेवा से संबंधित मैंने बात की, उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आशीष जी से संपर्क करें, प्रवीण जी से संपर्क करें। मैं इस विषय में भी पोस्ट बना करके, आर्टिकल लिख करके व्हाट्सएप और फेसबुक इत्यादि से शेयर करूंगा। तो आप जो भी सेवा कर सकते हैं बताएं। हम वाणी में कहते हैं ना, मुक्ति सेवा तूने सु कहूं जे तो अंतर आड़ो टाल। तो जो सेवा कर सकते हैं आप सामने से बताएं और आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके ज्ञान के हिसाब से आपको सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और उसको ईमानदारी पूर्वक निभाएं। तो मुझे लगता है कि जागनी को तीव्र गति से आगे बढ़ने में कोई भी नहीं रोक सकता। बस इतना ही कहते हुए आप सभी सुंदर साथ को प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।